बाबा जी, ये सेठ हर गोविंद सिंह है, आपको मिलने आए हैं। नमस्कार। इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, हमेशा बीमार रहते हैं। आपका नाम सुना, कहने लगे हम घुमान जाएंगे। अच्छा हुआ आप यहां आए। ये बहुत बड़े धनवान व्यापारी है, ये चाहते हैं गरीबों को दान दे। इनके पास सोने चांदी की कोई कमी नहीं, ये चाहते हैं ये गरीबों में बांट दे। इनके पास सोने चांदी की कोई कमी नहीं, लेकिन ये चाहते हैं कि तुला की जाए। अच्छा है, दान तो अवश्य करना चाहिए। ये चाहते हैं कि आप तुला में बैठे, जितना सोना चांदी धन तुल जाएगा लोगों में बांट दे। क्या आप इसे अनुमति देंगे बाबा जी? नहीं, मैं तुला में नहीं बैठूंगा। आप हमें निराश मत कीजिए बाबा जी, हम तुला की पूरी तैयारी करके आए हैं। तैयारी करके आए हो तो तुला कीजिए, लेकिन मेरी नहीं, एक तुलसी पत्र की तुला करो। सिर्फ एक तुलसी पत्र? हमारे पास तो बहुत सारा धन है, आपके सामने ही गरीबों में लुटाना चाहते हैं। उतना भी लुटा दोगे तो भी ठीक है, तुला करने का संकल्प ही करके आए हो तो करो। पांडुरंग 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 पांडुरंग। डालो डालो और डालो। मुझे माफ कर दीजिए बाबा जी, मुझे अपने गलती का एहसास हो गया है। मैं एक तुलसी पत्र की तुला नहीं कर सका तो तुम्हें आपकी तुला करने की तो मेरी हैसियत भी नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। तुम बीमार हो, लेकिन अब तुम्हारी बीमारी ठीक होने का वक्त आ गया है, इसीलिए पांडुरंग ने तुम्हें यहां भेजा। तुम्हारी बीमारी का कारण है अहंकार।